Hello everyone, I'm Saveri and I'm your mentor for your UGC NET Economics exam, and I'm here with a timetable of 3.5 months for your UGC NET exam. So you should know कि आपका जो जून में एग्जाम होना था उसकी नोटिफिकेशन आ गई है एंड द एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड इन सेप्टेम्बर. सो इफ यू आर प्रिपेरिंग फॉर दैट सो कीप प्रिपेरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट. मैंने ये टाइम टेबल इस हिसाब से बनाया है कि आपकी जो सेकेंड साइकिल होती है एग्जाम की दिसंबर में, उसके लिए हम एकदम 110% प्रिपेयर्ड रहें. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट. सो बिफोर गेटिंग इनटू योर स्पेसिफिकेशंस ऑफ योर टाइम टेबल, यू शुड नो व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ परसेवरेंस. सो दिस वॉज अ मंत्रा गिवन बाय एपीजे अब्दुल कलाम. अकॉर्डिंग टू हिम, आपको कुछ भी अचीव करना है लाइफ में सो यू शुड बी वेरी परसिस्टेंट. और परसिस्टेंट होने के लिए यू शुड नीड अ सिस्टम. तो सिस्टम आपको एक टाइम टेबल देगा. सो मेरा गोल यही है कि आपकी लाइफ में एक सिस्टम आए इस टाइम टेबल से एंड यू वुड बी एबल टू अचीव योर गोल. सो सेकेंड थिंग दैट ही सेज इज दैट यू शुड हैव अ ड्रीम. दैट शुड बी योर लाइफ मंत्रा कि एक गोल हो आपके दिमाग में कि मुझे ये अचीव करना है और ये मेरा ड्रीम है लाइफ में. सो लेट्स स्टार्ट विद योर डिस्कशन ऑफ योर टाइम टेबल. मैंने ये जो टाइम टेबल बनाया है वो इस हिसाब से बनाया है कि आप एक हफ्ते में 7 डेज में यू आर गिविंग 4 आवर्स फॉर योर प्रिपरेशन एवरी डे. सो इफ यू आर अ स्टूडेंट तो आप अपने टाइम में से 4 घंटे इस एग्जाम के लिए निकाल सकते हैं इन मॉर्निंग और इन द इवनिंग आफ्टर योर क्लासेस. और इफ यू आर वर्किंग तो आप वीकेंड्स पे उतना ही टाइम 14 आवर्स करके वीकेंड पे टाइम निकाल सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी, बिफोर गेटिंग इन टू एनी अदर सब्जेक्ट यू शुड बी डन विथ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो मैक्रो और माइक्रो जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके इस पूरे सब्जेक्ट के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, आपका एक बेस बनाते हैं. तो ये जो बेस है इसी के ऊपर आप बहुत सारे अपने जो आगे आने वाले टॉपिक्स या फिर सब्जेक्ट्स हैं वो आप रिवाइज कर सकते हैं, वो आप उनको अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं उनकी व्हेन यू हैव अ वेरी नाइस बेस फॉर योर कॉन्सेप्ट. तो प्लीज स्टार्ट विथ मैक्रो एंड माइक्रो. उसके बाद आप देखेंगे जो 8 बचे हुए टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, वो उसका भी कुछ कंसेप्चुअल पार्ट तो आपके मैक्रो और माइक्रो के कॉन्सेप्ट्स में से ही हो जाएगा. एंड लास्टली you should be very quick with your first reading क्योंकि you have to do a lot of second reading and the revision that it follows. तो इस exam के लिए be very quick with first reading because you have to revise the syllabus many a times. So starting with your microeconomics, microeconomics में मैंने हर दिन पे क्या क्या टॉपिक सबको करने चाहिए और कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए वो 1 by 1 डिवाइड कर दिया आपके लिए. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड स्टार्ट विथ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. सो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में आप डिमांड, सप्लाई और उनके जो लॉज हैं वो सीखते हैं. ऑल्सो यू लर्न अबाउट द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटीज, इनकम इलास्टिसिटीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स लाइक वेबल गुड्स एक्सेट्रा. तो आपको ये सारा, क्योंकि ये बेस है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो आपको इससे अच्छे से 2 दिन देने चाहिए. सो डे 1 एंड डे 2 फॉर दिस. एंड लाइक उसके बाद आपका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आता है, उसके लिए नेक्स्ट डे आप ले सकते हैं. नेक्स्टली यू हैव योर मार्केट स्ट्रक्चर. तो मार्केट स्ट्रक्चर में देखो परफेक्ट कॉम्पिटिशन भी आएगा, आपका मोनोपली भी आएगा, मोनोपलिस्टिक कॉम्पिटिशन भी आएगा, ओलिगोपोली और उसके जो जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस. तो उसमें आपको टाइम लगेगा. सो आई हैव गिवन 2 डेज फॉर दैट. फैक्टर प्राइसिंग में 1 दिन लगेगा आपका. और जनरल इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल टॉपिक. यू जस्ट नीड टू नो कि एजवर्ड बॉक्स क्या है और उसकी मैकेनिज्म क्या क्या है. सो इट विल टेक जस्ट 1 डे. नेक्स्ट इज योर एफिशिएंसी क्राइटेरिया, जिसमें आप परेटो ऑप्टिमैलिटी पढ़ते हैं, कैल्डन एंड हिक्स पढ़ते हैं और उसके जो एक्सेप्शंस हैं और उनके जो फ्लॉज हैं वो पढ़ते हैं. सो यू कैन कवर दिस टॉपिक इन जस्ट 1 डे. नेक्स्ट इज योर गेम थ्योरी टॉपिक. सो यू हैव टू लर्न अ वेरी सिंपल गेम थ्योरी कॉन्सेप्ट कि आपके बेसिक प्लेयर्स क्या होते हैं, मूव्स क्या होते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होती है एंड हाउ शुड यू रीड अ पे ऑफ टेबल. बस आपको इतने ही बेसिक कॉन्सेप्ट ही करने हैं गेम थ्योरी में एंड इट कुड बी डन इन 1 डे. सो
सो डे 9 आई हैव डेडिकेटेड फॉर दैट. नेक्स्ट इज योर सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, उसमें भी आपको सिर्फ एडवर्ड सिलेक्शन और मॉरल हैजार्ड करना है, एजेंट और प्रिंसिपल प्रॉब्लम जो, बस एक ही दिन लगेगा उसके लिए भी. लास्टली यू शुड डू एमसीक्यू टेस्ट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. तो आपको एमसीक्यू टेस्ट लेना है, जैसे ही आप एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, टेक एमसीक्यू टेस्ट, गिव इट 2 डेज, और जहां जहां पे भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं, रिविजिट दैट. इससे आपकी एक रिविजन भी हो जाएगी और आपको ये पता चलता रहेगा कि आपका जो एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन किस तरफ जा रही है. सो इफ यू फील कि आपकी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, सो डू गो एंड रिवाइज दोज सब्जेक्ट्स. नेक्स्ट इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स. आई हैव डेडिकेटेड 2 डेज फॉर योर कीन्स एंड क्लासिकल इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये जो दो टॉपिक्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाले जो दो आपके अप्रोचेस हैं, क्लासिकल एंड कीन्स, ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेस बनाते हैं. सो फॉर दैट यू नीड एटलीस्ट 2 डेज. नेक्स्ट इज योर कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन. वंस यू आर डन विद क्लासिकल एंड कीन्सियन एनालिसिस और उसके अजम्पशंस आपको पता है, तो कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन में आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड यू कैन कंप्लीट इट इन 1 डे. नेक्स्ट इज योर मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर. इसमें भी यू हैव टू जस्ट रिवाइज 1 मैथमेटिकल प्रोसेस और मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर का, सो इट विल ऑल्सो टेक जस्ट 1 डे. नेक्स्ट इज योर डिमांड फॉर थ्योरी एंड सप्लाई ऑफ मनी. सो मनी में भी यू जस्ट नीड टू रिवाइज 3 थ्योरीज, फिशर्स, कैम्ब्रिज एंड किंग्स, और उसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है. सो यू कैन डू इट इन 1 डे ओनली. नेक्स्ट इज योर ISLM मॉडल. सो ISLM मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो इसका शिफ्ट, इसकी स्लोप, ये सब कुछ आपको रिवाइज करा होना चाहिए. डेरिवेशन की कहाँ कहाँ पे आपने क्या क्या अजम्पशन लिए हैं, सो आपको ये पढ़ने के लिए आई थिंक आपको 2 दिन लग जाएंगे. सो आई हैव डेडिकेटेड 2 डेज हेयर. नेक्स्ट इज योर इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व. अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक. आपको फिलिप्स कर्व पता होना चाहिए, क्या है, क्या रिलेशन है, क्यों ब्रेक कर गया, कीन्स और मोनेटरिस्ट थे उनका क्या था इसके लिए एक व्यू पॉइंट, और अगर हम एक्सपेक्टेशंस डाल देते हैं फिलिप्स कर्व पे तो आपका क्या रहता है एनालिसिस. बस यही आपको पढ़ना है. दिस कुड बी कवर्ड इन 1 डे. नेक्स्ट इज योर बिजनेस साइकिल. इसमें यू विल नीड 1 डे. दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल टॉपिक. नेक्स्ट इज योर मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी. आइदर यू कैन डेडिकेट लाइक 1 डे फॉर दिस हेयर और यू कैन लाइक स्टडी इट विद ISLM मॉडल ओनली. सो यू नीड अगेन 1 डे फॉर दिस. लास्टली अगेन आपने मैक्रो खत्म कर लिया है, अब आपको फिर से एक MCQ टेस्ट लेना है. सो यू नीड 2 डेज फॉर दैट ऑल्सो. जैसे आपने माइक्रो में किया कि यू रिविजिटेड योर वीक टॉपिक्स, आपको यहाँ पे भी वही करना है. यू नीड टू रिविजिट योर वीक टॉपिक्स. नेक्स्ट इज योर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. सो आई हैव डेडिकेटेड 2 डेज फॉर इट. बहुत सारे इसका जो पार्ट है वो आपका ऑलरेडी मैक्रो में हो जाएगा. मैक्रो के कुछ कॉन्सेप्ट्स ही यहाँ पे लगने हैं. आपको ये टॉपिक्स बहुत सारे लग रहे होंगे बट दीज आर वेरी इजी टॉपिक्स. आपको ये थ्योरीज मैक्रो के एनालिसिस में ही पता चल गई होंगी कि ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं. बस आपको एक इंटरनेशनल साइड से देखना है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के साइड से देखना है. सो इट विल टेक 1 डे टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स एंड ऑन द नेक्स्ट डे यू कैन टेक अ MCQ टेस्ट एंड कवर ऑल द वीक टॉपिक्स फ्रॉम हेयर. आप देख सकते हैं कि ट्रेड और टर्म्स ऑफ ट्रेड और ये मल्टीप्लायर वाला जो पार्ट है, दिस is something that you have covered in your macro subject also. Next is your public economics. Again, very small subject. You just need to learn the definition part of it, कि क्या क्या होता है, regularization of market में क्या क्या roles होते हैं, government के debt कैसे काम कर सकते हैं. All this is very basic और आपको ये सिर्फ definitions ही करनी है और इनके application करनी है. So it won't take more than 3 days. 3 दिन के अंदर इनको, इन सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए एंड देन डेडिकेट 1 डे फॉर योर MCQ प्रिपरेशन. MCQ का टेस्ट लीजिए एंड रिविजिट ऑल द टॉपिक्स वेयर यू फील कि आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत है.
नेक्स्ट इज योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो मैंने यहाँ पे आपके लिए ग्रोथ के टॉपिक्स और डेवलपमेंट के टॉपिक्स अलग कर दिए हैं. एक एक दिन आप इन सबको भी दो. अगेन डेवलपमेंट के टॉपिक्स में तो सीधा सीधा आपको ये सारे इंडेक्स के डेफिनेशंस ही पढ़नी है, और पॉवर्टी वाले कॉन्सेप्ट में भी यू शुड जस्ट नो कि मेजरमेंट के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, जीनी कोएफिशिएंट, ये सारे जो आपके इनइक्वालिटी और पॉवर्टी मेजर करते हैं, बस आपको यही पता होने चाहिए. सो दिस वॉन्ट टेक मोर देन वन डे. वन वन डे यू शुड डेडिकेट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ऑल्सो जब आप ग्रोथ पढ़ रहे हैं, सो बी केयरफुल कि जब आप कोई भी थ्योरी पढ़ते हो, आपको उसका टाइम वो कब दी गई थी और वो किसने दी थी एग्जैक्टली याद होना चाहिए. ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके ग्रोथ वाले टॉपिक से, जो कि आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. सो आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेपरेटली, दोनों का एक MCQ टेस्ट लेके देखो और देखो कि कहाँ कहाँ पे यू आर वीक. एंड प्लीज रिविजिट, कीप रिविजिटिंग द टॉपिक. रिविजिटिंग से आपका जो रिवीजन है, आप डेडिकेटेड रिवीजन तो करेंगे ही, लेकिन उसके लिए एक आपके लिए एक दोबारा से एक ट्रिप जैसा हो जाएगा कि हाँ मैंने रिवीजन यहीं से शुरू हो गई मेरी. नेक्स्ट इज योर मनी एंड बैंकिंग का सब्जेक्ट. मनी एंड बैंकिंग इज ऑल्सो वेरी इजी. मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स यू हैव डन इन योर मैक्रो एंड योर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. आपको बस बैंक के हिसाब से सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का डिफरेंस, सेंट्रल बैंक क्या इंपॉर्टेंट काम करता है, मॉनिटरी पॉलिसीज, ये सारा आप काफी हद तक अपना कर चुके होंगे मैक्रो का के पार्ट में. लेकिन बस एक एप्लीकेटिव पार्ट करना है आपको कि वर्ल्ड में कैसे चल रहा है, कि RBI क्या करता है. तो आपके दिमाग में सेंट्रल बैंक की जगह RBI आ जाना चाहिए. नेक्स्ट इज योर स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स. सो फॉर स्टैट्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स आई हैव डिवाइडेड बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल. तो आप अगर बेसिक्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, यू डोंट फील वेरी कंफर्टेबल, तो यू एटलीस्ट शुड डू प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोमेंट सेंट्रल लिमिट थ्योरम. एटलीस्ट आपको ये करके जाना चाहिए. नेक्स्ट अगर आप उससे भी ज़्यादा टाइम डेडिकेट कर सकते हैं, सो आपको इंटरमीडिएट लेवल कवर कर लेना चाहिए, जिसमें आप अपने स्टैट्स के मेजरमेंट्स जितने हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन के सारे टॉपिक्स कर लेंगे. नेक्स्ट आप कोरिलेशन, आर वगैरह के ये सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू योर हाउ कंफर्टेबल यू आर विद दिस सब्जेक्ट, आपने बेसिक, इंटरमीडिएट या एडवांस तीनों को डिवाइड कर सकते हैं. फॉर दैट यू नीड टू डेडिकेट योर डे 39 to 42. आप इस टाइम तक बहुत सब कुछ कवर कर चुके हैं. तो मैक्रो, माइक्रो, ग्रोथ, डेवलपमेंट और आप अपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के टॉपिक को कवर कर चुके हैं. तो दे आर ऑल्सो अ ग्रेट चंक ऑफ योर एग्जाम. अब यहाँ तक आते आगे ते फटीगा आने लगे, तो प्लीज बेसिक तो कवर करके चले ही जाना स्टैट्स के टॉपिक में. एंड ऑल्सो टेक अ टेस्ट. टेस्ट लेने से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहाँ लाई कर रही है. नेक्स्ट इज योर एनवायरमेंट एंड डेमोग्राफी. इसके अंदर भी देर आर सो मेनी टॉपिक्स, बट आपको सिर्फ टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए. मार्केट फेलियर में एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या है एग्जैक्टली. पब्लिक गुड्स में आपको सीधा आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए एनवायरमेंट को कैसे आप पब्लिक गुड की तरह ले सकते हैं. कोर्स थ्योरम में भी आपको फिर से डेरिवेशन नहीं करनी है, यू जस्ट नीड टू नो द डेफिनेशन. नेक्स्ट इज योर एनवायरमेंटल गुड्स, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन. थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करके जाना. ये कुछ घंटों में भी कंप्लीट किया जा सकता है. सो आई हैव डेडिकेटेड लाइक डे 43 to 48, बिकॉज यू ऑल्सो नीड टू टेक अ टेस्ट आफ्टर दैट. ये बहुत जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है और इससे एक फ्री के नंबर मिल जाएंगे. थोड़ा सा बड़ा और आपके नंबर उतने ही मिल गए, जैसे मैक्रो और माइक्रो का आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट इज योर इंडियन इको. सो इंडियन इको में आप मैंने डेडिकेट किए हैं डे 47 से लेके 50 तक. ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है देखो इंडियन इको का पढ़ने का. तो आप शुरुआत से ही न्यूज वगैरह पढ़ना शुरू कर सकते हैं, बट स्टिल यू नीड टू रिवाइज द एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट,
इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट फ्रॉम अ इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू कि 51 में क्या हुआ, उसके बाद कैसे 5 ईयर प्लान में, हर 5 ईयर प्लान में हमारी क्या क्या स्ट्रैटेजीज चेंज होती रही, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा पढ़ना होगा. सो यू कैन टेक 3 डेज फॉर दैट. बीओपी क्या होता है, फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल कैसे हो रहा है, तो एक इंडियन परस्पेक्टिव में कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो चुके हैं मैक्रो में. यहाँ पे आते आते बस आपको एक इंडियन इको के परस्पेक्टिव से इसको कंप्लीट करना है. सो इट वॉन्ट टेक मोर देन 3 डेज. नाउ आई जस्ट वॉन्टेड टू स्ट्रेस कि एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको हमेशा करनी है. आपको एक टेम्परमेंट डेवलप करना है कि एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करते हैं. सो यू नीड टू टेक एमसीक्यू टेस्ट एट एवरी पॉइंट. सो लास्टली आपका रिविजन बचता है. सो फॉर फर्स्ट रिविजन यू शुड गिव एटलीस्ट 20 डेज. सो 20 डेज में आपको रिवाइज करना है और अपने शॉर्ट नोट्स बना लेनी है. मेरा एम ये रहता है जब भी मैं रिविजन कर रही हूँ ऐसे करूँ कि मेरी फर्स्ट रिविजन जो है उसमें मेरे जो टॉपिक्स हैं हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक हर चैप्टर एक पेज पे आ जाए. और नेक्स्ट जो रिवीजन मैं करती हूँ सेकंड रिवीजन उसमें मैं ऐसा करना चाहती हूँ कि मेरा एक ही पेज पे पूरा का पूरा सब्जेक्ट आ जाए ताकि मैं एग्जाम से पहले एक एक पेज करके उसको पलट के देख सकूँ. सो इन दीज 20 डेज आपको सारा कुछ रिवाइज करना है, अपने सारे टॉपिक्स वीक वाले पोर्शंस को इस टाइम पे और कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अपने जो ऑलरेडी रिवाइज कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी, क्योंकि आपको एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना है ताकि एग्जाम सॉल्व करते हुए आपका बिल्कुल भी टाइम ना लगे. सो यू शुड डेडिकेट एटलीस्ट 20 डेज फॉर योर फर्स्ट रिवीजन. नेक्स्ट इज योर टेस्ट. सो एग्जाम से पहले एटलीस्ट 5 डेज डेडिकेट कीजिए एंड टेक अ टेस्ट इन एवरी 5 डेज. 5 दिन आप अपना पुराना काम करते रहें, अपना रिविजन करते रहें, एंड आफ्टर 5 डेज टेक 1 टेस्ट एंड टेक एटलीस्ट 6 टेस्ट बिफोर योर एग्जाम. तो आपको एक टेम्परमेंट, क्योंकि मैं बता रही थी आपको डेवलप करना है, वो आपका तभी आएगा जब आप ये सोच के करें एग्जाम को कि मुझे सेट टाइम में इसको कंप्लीट करना है. जितना टाइम आपको एग्जाम का मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में उसी तरीके की आप थोड़ी इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, शांति से अपना टेस्ट पेपर लेके बैठिए और एटलीस्ट ये 6 बारी कीजिए. इफ यू आर डूइंग इट लाइक 6 टाइम आपका JRF पक्का ही पक्का होगा, दैट इज अश्योर्ड. सो ऑल्सो रिवाइज दिस सब्जेक्ट. टेस्ट दे के छोड़ नहीं देना, की से एकदम मैच करना है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स है उस गैप को कंप्लीट करना है. और अपनी जो सेकेंड डिविजन आप करेंगे इन 10 डेज, आपको उन 10 दिनों में जहाँ पे भी